ओम श्री गणेशाय नमः। आयुर्वेद से ज्योतिष के चैनल पर आपका स्वागत है। मिथुन राशि 2019 में करें ये उपाय। दोस्तों, मिथुन राशि वालों का 2019 में ग्रहों की स्थिति के अनुसार अच्छे एवं शुभ फलदायक योग बन रहे हैं। यह वर्ष मिथुन राशि के लिए जिंदगी के सभी आयामों में शुभ रहने वाले हैं। सभी क्षेत्रों में उन्नति कारक ग्रह की स्थिति बनने से जातक ऊर्जा से भरा रहेगा। यदि मिथुन राशि के जातक इन योगों पर ध्यान रखते हुए ये उपाय करते हुए अपना कार्य करेंगे तो यह वर्ष बहुत ही सुफलदायक होगा। दोस्तों, मिथुन राशि के स्वामी ग्रह बुध हैं। बुध बुद्धि के कारक ग्रह हैं, जो ग्रहों की स्थिति एवं परिस्थिति के अनुसार बुद्धि में परिवर्तन, परिवर्धन और संवर्धन करते हैं, मतलब सुधार करते हैं, यानी जातक में निरंतर सुधार करते रहते हैं। बुध व्यापार, गणित, वाणी, वाक चातुर्य, ज्योतिष, चिंतन, मनन शक्ति के स्वामी होती है। बुध से प्रभावित जातक विद्वान, साहित्यकार, ज्योतिष, गणितज्ञ, चिकित्सक, बहुमुखी प्रतिभा का धनी हो। क्या कामयाबी उसके साथ साथ चलती है। यदि उसके साथ में गुरु की कृपा दृष्टि हो जाए तो इसके प्रभाव में चार चांद लग जाते हैं। ऐसा जातक गुड़ रहस्यों का ज्ञाता, हाजिर जवाब, युक्ति युक्त से निपुण, सच्चा सरल होता है। उसे उत्तम सकारात्मक विचारों वाला, सात्विक, मिलनसार, उत्तम प्रकृति का संसारी कहा जा सकता है। मिथुन राशि के जातकों से निवेदन है कि वे हमेशा सकारात्मक ही सोचें। यही उनकी पहचान है और यही उनकी उन्नति का राज है, और अपनी उन्नति को सुनिश्चित करने के लिए ये उपाय अवश्य करें। पहला उपाय है बुधवार का व्रत, उपवास, संकल्प लेकर करें। जो व्रत आने वाले प्रथम बुधवार 13 फरवरी 2019 नर्मदा जयंती भीष्म अष्टमी से शुरू करते हुए दिनांक 20 नवंबर 2019 तक करना है, अर्थात इसकी संपन्नता दीपावली के बाद होने से निश्चित रूप से श्री गणेश जी, श्री हरि विष्णु जी एवं श्री लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर वरदान देंगी। या किसी भी प्रथम बुधवार से 36 या 41 बुधवार तक व्रत करें। जो जातक को भौतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से मालामाल कर देंगे और किसी भी अशुभ योगों से श्री गणेश जी, श्री हरि विष्णु जी एवं श्री लक्ष्मी जी रक्षा करेंगे ही, ऐसा विश्वास बनाकर रखें, क्योंकि आपने ये 41 दिन का व्रत अनुष्ठान जो कर लिया है। अतः व्रत पर पूर्ण विश्वास रखें। 41 व्रत के बाद उद्यापन करें और उसके बाद व्रत नहीं करें। दूसरा उपाय है बुधवार के दिन बुध यंत्र को हरे कपड़े पर खड़ी मूंग की दाल के अष्टदल कमल पर स्थापित करके ओम बम बुधाय नमः या ओम गम गणपतये नमः मंत्र का जाप 1100 बार प्रत्येक बुधवार 41 बुधवार तक करें या 18000 मंत्रों का जाप एक साथ करें। साथ में हर एक मंत्र के साथ में एक मूंग का दाना यंत्र पर चढ़ाएं। बीच बीच में अपनी मनोकामना को प्रभु से कहते रहें या हो सके तो कॉपी में लिखकर अपने सामने रख लें, बीच बीच में दोहराते रहें। पूजा के अंत में यंत्र को घर में स्थापित करके कपड़े और दाल को पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें या यंत्र सहित सभी सामग्री पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें या हरा कपड़ा मंदिर में दान कर दें और दाल गाय को खिला दें या मंदिर में दान कर दें। गाय को अपने हाथों से ऐसे खिलाएं कि गाय आपकी हथेलियों को चाट ले, जिससे आपके हाथों की सारी नकारात्मकता चाट कर सकारात्मक बना देगी। गाय को खिलाते समय ध्यान रखें कि गाय मारने वाली नहीं हो, नहीं तो आप कहेंगे कि गुरु जी ने ये क्या बता दिया। इन उपायों से श्री गणेश जी निश्चित रूप से आप पर कृपा करते हुए सुख समृद्धि, धन वैभव एवं पुण्य के रास्ते खोल देंगे। अतः ये सभी उपाय कारगर साबित होने वाले हैं। तीसरा उपाय है हरी वस्तुएं दान करें। हरे मूंग, हरे वस्त्र, पन्ना, घी, कपूर आदि। चौथा है श्री गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें। पांचवा है 6, 10 या 12 रत्ती का पन्ना विधि विधान से धारण करें। छठा है
श्री गुरु जी की सुखता प्राप्त करने के लिए अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हुए चरण स्पर्श करें, यही उपाय आपके लिए वरदान साबित हो जाएगा। श्री शनि देव जी की सुखता प्राप्त करने के लिए शनिवार को पीपल में जल अर्पित करते हुए देव एवं पितरों से क्षमा याचना करें। शाम को सरसों के तेल का दीपक लगाएं। गौ की सेवा करें जिससे श्री लक्ष्मी जी की सुखता प्राप्त होगी। श्री गणेश जी एवं श्री लक्ष्मी जी की आरती नित्य करें और उनके अर्थों को धारण करें। दसवां है सोच सकारात्मक एवं चरित्र साफ रखें। ग्यारहवां है योग प्राणायाम ध्यान करें ताकि आप शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकें। बारहवां है जो आपके पास है उसे महसूस करें और उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दें। तेरा है क्षमा साधना करें। क्षमा प्रार्थना में मन ही मन कहें कि हे देव पितर, मुझसे इस जन्म में या पिछले समस्त जन्मों में कोई भी मनसा वाचा कर्मणा अर्थात भाव विचार वाणी क्रिया से कोई भी गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करें। इस तरह अंतर मन से क्षमा मांगेंगे तो ये उपाय करते रहेंगे तो फिर देखिए आपके जीवन में चमत्कारिक रूप से परिवर्तन होने लगेंगे। यदि जातक कोई ऐसा कार्य करता है कि उसे समय नहीं मिल पा रहा तो जातक को मानसिक जाप और क्षमा साधना अवश्य करनी चाहिए। तो यही सकारात्मक सोच और साफ चरित्र आपको सफलता दिला सकता है। उक्त तरीके से किए गए उपाय आपके जीवन में निश्चित रूप से सकारात्मक परिवर्तन लाने वाले हैं। यह आप दृढ़ निष्ठा विश्वास बनाकर रखें, आपके जीवन में निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। दोस्तों, उक्त तरीके से की गई पूजा पाठ जप व्रत से मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा और जब भी आवश्यकता होगी ये मंत्र हमेशा कार्य करेगा, क्योंकि ये सिद्ध हो चुका मंत्र आपके राशि के स्वामी बुध एवं श्री गणेश जी का है। अतः ये उपाय अवश्य करें, ये उपाय मंत्र हमेशा कार्य करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि पिछले साल भी यही उपाय बताए थे और इस साल भी यही है। तो दोस्तों, आपकी राशि भी तो वही है परंतु कुछ ग्रहों की दशाएं चेंज हो गई हैं, लेकिन आपकी राशि का स्वामी और कारक ग्रह वही हैं, अतः वे ही कार्य करेंगे। मिथुन राशि के कारक ग्रह बुध शुक्र और शनि हैं। इन्हीं से संबंधित उपाय बताए गए हैं जो कारगर साबित होंगे। खुशखबरी यह है कि अपनी कुंडली विश्लेषण फ्री में पाए। क्या करना आपको, जो भी जातक अपनी कुंडली बनवाना और सूक्ष्म विश्लेषण करवाना चाहता है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना डाटा जैसे कि जन्म दिनांक, जन्म समय, जन्म स्थान और नाम व्हाट्सएप कर दें। उन्हें 13 पेज की कुंडली और सूक्ष्म विश्लेषण 3 दिन के अंदर व्हाट्सएप पर ही मिल जाएगा। और दूसरी खुशखबरी यह है कि जो भी जातक मुझसे बात करना चाहते हैं वे सुबह 9 बजे से 12 बजे तक मुझसे बात करके अपनी कुंडली के बारे में जान सकते हैं। कुंडली के विश्लेषण में आपको आपके वह गुण और कर्म दिखाई देंगे जो आपको ही नहीं मालूम है, या आपको अपने गुण और कर्म मालूम तो हैं पर उन्हें करना है या नहीं करना है ये आपको पता नहीं। जब आपको ये पता चल जाएगा कि क्या करना है और क्या नहीं तो आपकी उन्नति डबल हो जाएगी। अतः कुंडली बनवाने और कुंडली विश्लेषण करने के लिए संपर्क करें। अतः इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके और इसे शेयर भी करें ताकि आपके शेयर करने से आपका परिचित भी लक्ष्मी कृपा से लाभान्वित हो सकेगा और आपको दुआ देगा जिससे आपको डबल पुण्य की प्राप्ति होगी। कोई क्वेरी हो तो कमेंट्स करें या ईमेल करें या व्हाट्सएप करें। हमारे मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर है 7509000476 और ईमेल आईडी नंबर है suryadayalguru6268@gmail.com। धन्यवाद दोस्तों।